अच्छा पर्सनल लेवल पर तुम्हें सिंगल प्लेयर मोड ज़्यादा पसंद है या मल्टीप्लेयर? देखो मैंने आपको जैसे बताया कि मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, तो मल्टीप्लेयर में तो मैं बॉल को अपने पास भी नहीं ला पाता ठीक है, मेरे पास तो बॉल भी नहीं आती, तो मैं सिंगल प्लेयर खेलता हूँ लोएस्ट डिफिकल्टी में, और हो सकता है तो प्रैक्टिस मैच ही खेल लेता हूँ कभी कभी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन गोल हो जाते हैं, उसमें गोल होते हैं क्योंकि वो गोल कीपर चुपचाप खड़ा होता है भाई, उसको खेलो आराम से। गाइस अगर आपको हमारा गेमिंग कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल नमोकार गेमिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे हम जल्द से जल्द 50,000 के टारगेट को कंप्लीट कर सकें। और साथ ही अगर आपको लेटेस्ट कैंपेन गेम्स की लाइव स्ट्रीम सबसे पहले देखना, हिंदी में कमेंट्री सुनना पसंद है, तो आप हमारे चैनल नमोकार लाइव गेमिंग को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे, फीफा आप कब से खेलते हुए आ रहे हैं? फीफा 3-4 साल हो चुके हैं मुझे खेलते हुए। सबसे पहली फीफा कौन सी खेली थी? फीफा 16 खेली थी मैंने, PS4 पे। PS4 पे। तो फ्रेंड्स ने रिकमेंड की थी या आपने गेम प्ले देखा था? मेरे फ्रेंड्स ने रिकमेंड करी थी। तो अब क्या मतलब कितना आप अपने आप को प्रो प्लेयर मानते हैं? अब तो काफी अच्छे से आ चुके हैं, अच्छे से आ गए। मल्टीप्लेयर ज्यादा पसंद आता है या सिंगल खेलना? सिंगल खेलना और दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर, जब घर दोस्तों के साथ पार्टी बनाकर खेलते हैं PS4 पे। बिल्कुल पार्टी बनाकर, आज रात को भी खेलने वाले हैं। तो कालरा शॉप का कैसे पता चला आपको, आप यहां से? फ्रेंड ने रिकमेंड करा था, फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। तो अब जाते ही लेट नाइट आज पार्टी होगी मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, तो आज खेलोगे? हाँ जी बिल्कुल। तो दोस्तों आज आप देख सकते हो यार हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वासव, और आपने इनका चैनल पहले से सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, इंडियन सोल्जर 1 के नाम से काफ़ी मशहूर हैं, और आज की डेट में इंडिया में सोल्जरों की बहुत इज्जत बढ़ गई है तो आज हम इत्तेफाक से मिल गए, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी साथ में आने की, पर रिंकू जी के पास आए। तो वासव के चैनल पर भी आप ये वीडियो देखना, अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे, ये भी गेम प्ले करेंगे। तो यार वासव तुम बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है फीफा को लेकर, और सबसे ज़्यादा तुम्हें कब पता लगा कि लोगों में फीफा का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है? देखो यहाँ पे मैं ऑनेस्टी के साथ ये बता दूँ कि जो भी एथलेटिकल गेम्स होते हैं ना उनको मैं बहुत कम खेलता हूँ पर्सनली। रीजन बीइंग कि मेरे को सस्पेंस हॉरर उस तरह की जॉनर वाली गेम्स ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब तुम्हारा क्रिमिनल माइंड, मतलब इस तरह क्रिमिनल माइंड वाला सीन है लेकिन लेकिन जैसा कि आपने अपनी वीडियो में अभी आप शूट कर रहे थे, आपने बताया इसमें स्ट्रीट प्ले वाला ऑप्शन है, एंड मैंने वो बहुत पहले पता नहीं कौन से एडिशन में एंजॉय करा था, सिर्फ इसलिए पहले आ चुका है, बहुत पुराना एडिशन था, शायद फीफा 9 था या 10 था, PS2 या PS3 में, PS2 या PS3 का। फीफा स्ट्रीट की बात तो नहीं कर रहे कहीं? नहीं नहीं नहीं, उसमें एक एडिशन आया था छोटा सा, डंडा की तो नहीं बात कर रहे? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं आपको बता भी दूंगा चेक करने के बाद एक बार। इस वजह से सीरियसली मैं इस गेम को बहुत अच्छे से खेलने वाला हूँ, मेरा बहुत मन है। यार ग्राफिक्स का अगर हम देखते हैं जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता किसी भी स्पोर्ट गेम में। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कोई भी कंसोल जनरेशन जब उसके लास्ट स्टेज में होती है, जैसे आप सबको बताया कि PS5 और Xbox नेक्स्ट जनरेशन स्कारलेट नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, लास्ट लेग में जो भी गेम्स आती है ना वो ग्राफिक्स चरण सीमा पे होते हैं, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट ग्राफिक्स होते हैं, क्योंकि इस समय ये गेम फीफा 20, कोई भी अपकमिंग गेम जैसे कि डेथ स्टैंडिंग हो गई, लास्ट ऑफ अस 2 हो गई, ये PS4 की पूरी पावर को यूटिलाइज करती है। मतलब जो भी हार्डवेयर PS4 के अंदर अवेलेबल है डेवलपर्स ने उनको पूरी तरह से यूज किया है। बिल्कुल, क्योंकि 7-8 साल के गैप के बाद डेवलपर्स को समझ आया था कि यार कैसे आपको रैम को यूज करना है, कैसे ग्राफिक कार्ड को यूज करना है। तो फीफा 20 के ग्राफिक्स जो आपको देखने को मिलेंगे, छोटी छोटी डिटेल्स लाइक आई मूवमेंट्स, आपको उनके फेस पे रिंकल्स जो है एक्चुअल में जो अभी ट्रेलर भी लॉन्च हुआ लास्ट ऑफ अस 2 का, तो उसमें एक एक चीज हमें दिखाई देती है। एग्जैक्टली वही, और आपको जो फीफा के अंदर जैसे जो भी प्लेयर्स हैं एक्चुअली में जो प्लेयर्स हैं उनको प्रॉपर स्टूडियो में बुला के उनको मैप किया गया है। ओके, तो आपको जो डिटेल्स मिलने वाली हैं वो बहुत ही बेहतरीन होने हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप कोई भी फीफा गेम खेलना चाहते हो इससे पहली वाली को छोड़ के फीफा 20 जरूर खेलो। फीफा 20 जरूर खेलो। जैसे इस बार इन्होंने बोला कि कुछ जो कुछ राइट्स हैं फीफा के पैस की तरफ कुछ गए हैं। देखो बिल्कुल गए हैं, वो चीज एक अलग चीज है। देखो आप अगर आप बहुत हार्डकोर फैन हो ना तब आपको इस चीज का फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक कैजुअल एथलेटिकल गेम खेलना चाहते हो तो मेरी रिकमेंडेशन है गो फॉर फीफा 20। अच्छा अगर पैस से कंपेयर हमेशा किया जाता है जैसे गेम को, तो फीफा क्यों हमेशा आगे रहती है? देखो एक तो ये कि पैस से पुरानी एक तो फ्रेंचाइजी है, ठीक है, दूसरी बात पहली बात तो जो फीफा है वो ई स्पोर्ट्स वालों का है और पैस कोनामी का है, तो ई स्पोर्ट्स तो शुरू से ही नंबर वन रहा है, हमेशा से नंबर रहा है, और हमेशा से इसलिए भी नंबर रहा है क्योंकि उससे बहुत पहले से फीफा की गेम्स बनाते आ रहे हैं ये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि डेवलपर्स और साथ में इस ईयर को अगर हम छोड़ दें तो हमेशा से जो भी ज़्यादा राइट्स रही हैं वो फीफा के पास ही रही हैं, अगर हम 1-2 सालों के गैप को छोड़ दें। पेस के पास जो डेवलपर्स हैं जो उनका गेम प्ले मैकेनिक्स है वो फीफा से थोड़ा नीचे आता है, अगर आप कंपैरिजन करोगे साइड बाय साइड तो आपको फीफा खेलने में जो फील आएगा वो आपको पेस खेलने में नहीं आएगा। अच्छा वासव भाई अभी एक ही मेंबरशिप जो हम देख पा रहे हैं कि प्लेस्टेशन 4 पे भी शुरू हो गई, पहले एक्सबॉक्स 1 पर थी, तो उससे फीफा की सेल पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? एक सेकंड, आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हो? जो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स की मेंबरशिप है जो मंथली ई एक्सेस, हाँ
तो देखो यार, ईए एक्सेस की वजह से सेल पे फर्क तो पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यार लोगों को एक पास मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप ईए एक्सेस लेते हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके पास 500 GB कॉन्सोल है, 1 TB कॉन्सोल है, आपको हर बारी गेम को डाउनलोड करना पड़ेगा। फीफा की डिस्क लेके आए आप, यहाँ से ली आपने डिस्क को इंसर्ट किया, जब मन करा उसको इंस्टॉल करके खेलने लग गए। अगर आपको अपडेट्स की परवाह नहीं, अगर आप सिंगल प्लेयर मोड खेल रहे हो, अच्छा इंस्टॉल करा खेली, उसके बाद अगर आपको कोई और गेम इंस्टॉल करनी है, आपके पास 500 GB एडिशन है, अनइंस्टॉल करा, दूसरी गेम इंस्टॉल करी, डिस्क लगाई। और डिस्क का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, रीसेल वैल्यू। डिजिटल गेम को कहाँ बेचोगे, अपना अकाउंट से ना बेचोगे। लेकिन PS5 में जैसे कि बताया जा रहा है कि डिजिटल गेम भी रीसेल हो सकती है। बिल्कुल, वो जब फंक्शनैलिटी आएगी वो बात की बात है, उसमें भी 1-1.5 साल पड़ा हुआ है। लेकिन इस समय फिलहाल जो नीड ऑफ द आवर है वो है फिजिकल डिस्क, आप लो उसको, आप खेलो, मन भर जाए तो ऑफिस कर दो। अच्छा, पर्सनल लेवल पर तुम्हें सिंगल प्लेयर मोड ज़्यादा पसंद है या मल्टीप्लेयर? देखो, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, तो मल्टीप्लेयर में तो मैं बॉल को अपने पास में नहीं ला पाता, ठीक है, मेरे पास तो बॉल भी नहीं आती, तो मैं सिंगल प्लेयर खेलता हूँ लोएस्ट डिफिकल्टी में, और हो सकता है तो प्रैक्टिस मैच ही खेल लेता हूँ कभी कभी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन गोल हो जाते हैं, उसमें गोल होते हैं, क्योंकि वो गोलकीपर चुपचाप खड़ा होता है भाई, उसको खेलो आराम से, कभी कभी गोलकीपर होता ही नहीं है। तो इस बारी मैं स्ट्रीट प्ले मोड को खेलने के लिए स्पेशली फीफा 20 खेलने वाला। चलो तो दोस्तों, बहुत बढ़िया होने वाला है, और कोशिश करेंगे कि वासव भाई और हम टाइम निकालें और इकट्ठी लाइव स्ट्रीम करें इस गेम की। तो आप देख सकते हो फीफा 20 है, तो हमने भी दोनों ने परचेस की है फीफा 20 रिंकू जी से, तो आप भी ज़रूर परचेस करो ये गेम, और फिर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इन्होंने जो मिडनाइट लॉन्च ट्रेंड शुरू करा ना, आई होप आप डेथ स्ट्रैंडिंग और लास्ट ऑफ अस 2 जैसे गेम्स खेलेंगे 100%, और वो भी इससे हो सकता है इससे ऊपर करेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है सारी गेम रिंकू जी अब ऐसे ही देने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय। आप फीफा खेलते हो या नहीं खेलते? मैं फीफा तो खेलता नहीं वैसे, मुझे शौक भी नहीं है, वैसे फीफा लेटेस्ट है तो जाएगी हिट। अच्छा, हिट जाएगी। तो पिछली बार भी अगर देखा था, जो कस्टमर का जो रिस्पांस था वो कैसा था? सही था, अच्छा था, इतने इससे ज़्यादा थे। यहाँ पर लोग आकर ज़्यादा परचेस करते हैं या होम डिलीवरी ज़्यादा करते हैं? यहाँ पे ज़्यादा परचेस करते हैं लोग आके। अच्छा, तो आपको GTA सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब इस वजह से कि कुछ किसी की भी गाड़ी उठा के भाग जाओ, स्कूटर उठा के भाग जाओ। रियल लाइफ में GTA खेली कभी? नहीं खेली, वो नहीं खेली, तो गेम में खेली है। गेम में खेली है, तो लगता है कि मतलब अगर रियल लाइफ में किसी की स्कूटी या मोटरसाइकिल लेके भाग गए तो पुलिस पकड़ लेगी। बस।